हेलो कापेडियंस, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका अनीशा। आज हम आपकी कक्षा की पाठ्य पुस्तक का दूसरा पाठ तात्या टोपे पढ़ेंगे। यह कहानी तात्या टोपे, उनकी वीरता, शौर्य तथा उनकी राजा मानसिंह के साथ मित्रता के विषय में है। तात्या टोपे सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की महत्वपूर्ण कड़ी थे। उनका असली नाम रामचंद्र पांडुरंग राव योलेकर था। बच्चों, इस कहानी के जो मुख्य पात्र हैं वे हैं नेपियर, मेजर मीड, गुप्तचर, राजा मानसिंह, विक्रम सिंह तथा तात्या टोपे। इस कहानी को जो है चार दृश्यों में दर्शाया गया है। प्रथम दृश्य में मेजर मीड तथा नेपियर आपस में तात्या टोपे की वीरता के बारे में बातें करते हैं। मेजर मीड नेपियर को कहते हैं कि तात्या टोपे में बिजली सी फुर्ती है तथा हमारी सारी सेना के लिए उनको पकड़ना असंभव हो चुका है। इतने में एक गुप्तचर का अर्थ होता है जो बच्चों हमें सीक्रेट न्यूज देता है। इतने में एक गुप्तचर आता है तथा मेजर मीड को बताता है कि तात्या टोपे राजा मानसिंह के पास उनके संरक्षण में हैं तथा उनका स्वास्थ्य जो है वो ठीक नहीं है। मेजर मीड तथा नेपियर एक दूसरे को कहते हैं कि राजा मानसिंह जो है तात्या टोपे का खास मित्र है तथा वो हमें तात्या टोपे को नहीं सौंपेगा। इसके लिए हमें एक योजना बनानी पड़ेगी या कोई षड्यंत्र रचना होगा। यहीं से बच्चों कहानी का दूसरा दृश्य आरंभ होता है। दूसरे दृश्य में राजा मानसिंह अपने मंत्रियों के साथ सभा करते कहते हैं कि तात्या टोपे का स्वास्थ्य ठीक नहीं है तथा वो हमारे पास हैं। वे हमारे देश के वीर योद्धा हैं तथा अब उनकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य बनता है। इतने में बच्चों प्रहरी आता है। प्रहरी का अर्थ होता है जो मुख्य द्वार पर पहरा देते हैं। प्रहरी आकर राजा मानसिंह को कहता है कि मेजर मीड आपसे मिलना चाहते हैं। मेजर मीड आकर राजा मानसिंह को कहता है कि आपने तात्या टोपे को अपने पास रखा है जो कि एक राजद्रोह है। आप हमें तात्या टोपे को सौंप दीजिए, हम आपको बहुत सारा इनाम देंगे। परंतु राजा मानसिंह जो है वो कहते हैं कि मुझे इनाम से ज्यादा अपना कर्तव्य प्यारा है तथा मैं अपना कर्तव्य ही निभाऊंगा। यहाँ से बच्चों कहानी का दूसरा दृश्य समाप्त होता है। अगले विषय भाग में हम तीसरा तथा चौथे दृश्य की कहानी पढ़ेंगे।